न्यूज 18 समाचार चैनल के एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान में हुई FIR दर्ज। देश में फेक न्यूज के जरिए धार्मिक माहौल खराब करने के आरोप में हुई FIR। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एंकर अमन चोपड़ा पर IPC की धाराओं 153, 295, 295 ए, 120 बी, 124 ए और 67 के तहत FIR दर्ज की गई है। केवल इतना ही नहीं, FIR में समाचार चैनल प्रोड्यूसर और संपादक को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें, अमन चोपड़ा की ओर से अलवर में एक मंदिर के ढाहे जाने पर प्रतिक्रिया देने के 2 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मस्जिद के आंशिक विध्वंस के बदले में ये कार्रवाई की गई है। चोपड़ा ने अपने टेलीविजन शो में बोलते हुए कहा था कि जहांगीरपुरी का बदला महादेव पर हमला कर दिया। चोपड़ा के बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने फेक न्यूज फैलाने और अपने बयान से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए उनकी गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। आपको विदित रहे कि अलवर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान केवल मंदिर बल्कि लगभग 150 दुकानों और इमारतों को भी ध्वस्त किया गया है। और अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि राजगढ़ नगर पालिका BJP शासित है और यह अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने का फैसला उसके बोर्ड ने किया है और राज्य सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। न्यूज 18 समाचार चैनल के एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान में हुई FIR दर्ज। देश में फेक न्यूज के जरिए धार्मिक माहौल खराब करने के आरोप में हुई FIR। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एंकर अमन चोपड़ा पर IPC की धाराओं 153, 295, 295 ए, 120 बी, 124 ए और 67 के तहत FIR दर्ज की गई है। केवल इतना ही नहीं, FIR में समाचार चैनल प्रोड्यूसर और संपादक को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें, अमन चोपड़ा की ओर से अलवर में एक मंदिर के ढाहे जाने पर प्रतिक्रिया देने के 2 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मस्जिद के आंशिक विध्वंस के बदले में ये कार्रवाई की गई है। चोपड़ा ने अपने टेलीविजन शो में बोलते हुए कहा था कि जहांगीरपुरी का बदला महादेव पर हमला कर दिया। चोपड़ा के बयान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने फेक न्यूज फैलाने और अपने बयान से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए उनकी गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। आपको विदित रहे कि अलवर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान केवल मंदिर बल्कि लगभग 150 दुकानों और इमारतों को भी ध्वस्त किया गया है और अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि राजगढ़ नगर पालिका BJP शासित है और यह अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने का फैसला उसके बोर्ड ने किया है और राज्य सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।